अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग पीयू स्विच टू पीयू स्विच कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी पीयू स्विच टू पीयू स्विच कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी जो RJ45 कनेक्टर में केबल कोई डैमेज होगी, इस तरह की केबल कोई डैमेज किसी जगह से हो गई है, तो फिर उसको कैसे हम यूज़ में ला सकते हैं, उनका पैटर्न वगैरह कैसे है, कैसे केबलों को यूज़ किया, जो 8 केबल इनका क्या मकसद होता है, तो यह कनेक्टर कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। लेकिन इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि पी यू स्विच के साथ कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये कनेक्टर देख रहे हैं, इस पैटर्न से मैंने ये कनेक्टर लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये जो कनेक्टर आप लोगों को अभी ये नज़र आ रहे हैं, ये पीयू स्विच के साथ पीयू स्विच के कनेक्टिविटी की है और अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे जो है वो चल रहे हैं। यहाँ एक केबल जो है वो कैमरों की है, 3 जो है पीयू स्विच के साथ लगी और एक केबल को एनवीआर के साथ अपलिंक करके लगा। जैसे कि ये अकेली एक केबल नज़र आ रही है, इस केबल को हमने एनवीआर में लगाकर कैमरों को भी टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे सारे के सारे चल रहे हैं। तो दूसरी जो 4 केबलें आ रही हैं, वो 3 जो है वो पीयू स्विच से आ रही है और एक कैमरे की, जो कि अभी कैमरों को हमने सबको टेस्ट कर लिया। अब मैं उसके ऊपर दोबारा ट्यूटोरियल जो है वो बना रहा हूँ। तो ये जो लाइट जो ब्लिंक करती है ऑरेंज आपको नज़र आती है, ऑरेंज का मतलब होता है ब्लिंक करना, कि डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो ग्रीन लाइट होती है जो स्टिल रहती है, वो पावर को शो करती है। अगर कैमरे के केबल में डायरेक्ट इस पीयू स्विच में लगाता, जो कि मैंने पहले लगाई भी थी, तो इसकी ग्रीन लाइट जो स्टेबल होनी थी और दूसरी जो है वो ब्लिंक करी। तो मैं पहले बिल्डिंग आपको दिखाता हूँ किस कहाँ से पीयू स्विच लगे और कहाँ उनकी कनेक्टिविटी की है, फिर आगे मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो एक पीयू स्विच यहाँ पर इस बिल्डिंग में लगा हुआ है, ये सामने आप लोग देख रहे हैं, वहाँ कैमरे लगाकर उसमें से अप लिंक इस जो स्विच में लगाया है। और एक बिल्डिंग ये आप लोगों को मैं ये भी दिखा देता हूँ, इस बिल्डिंग में पीयू स्विच लगा है, उसके साथ कैमरे हैं और ये अभी जूम करके भी दिखा रहा, और उसके वहां से अपलिंक की केबल निकाल कर इस पीयू स्विच में लगाई, जो कि अभी आप लोगों को ब्लिंक करती हुई नजर आ रही थी। और एक ये जो अभी ये आप लोग देख सकते हैं, ये कैमरा जो है, इसको भी हम लोगों ने केबल आपको पीयू स्विच में तो मैंने नहीं लगाई, लेकिन अभी इसको वैसे उतारा है तो वैसे चलता है, हमने टेस्ट इसको कर लिया हुआ है। तो इसमें क्या था कि ये कैमरे वगैरह ये सब कुछ जो है कैसे लगाते हैं, मैं आपको सिंपल ये स्ट्रेट जो अभी आप लोग ये पैटर्न देख रहे हैं, हमने रियल लाइफ में यही पढ़ा था, सॉरी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ अभी आप लोगों के सामने मैंने किया। तो जो जब स्टडी हम लोग कर रहे तो हमने यही पढ़ा था कि जब सेम डिवाइसेस होती हैं तो क्रॉस ओवर केबल का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये वो पुराना मेथड बेशक होगा, लेकिन अब जो न्यू डिवाइसेज आ रही हैं सब कुछ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जस्ट स्ट्रेट केबल का यूज़ करना है पीयू स्विच टू पीयू स्विच लगाने के लिए, इस पैटर्न से आपने दोनों साइडों से इस तरह का सेम कनेक्टर लगाना है और इंशाल्लाह आपका कैमरे चल जाएंगे। इसमें 1, 2, 3 और 6 नंबर की केबल आपको बिल्कुल एक्यूरेट लगानी होगी, क्योंकि पीयू स्विच टू पीयू स्विच कनेक्टिविटी करने के लिए इसमें डाटा ट्रांसफर होता है। और बाकी 4 केबल अगर नहीं भी लगाएंगे या ख़राब भी लगेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं, टूट भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 और 6 नंबर का मेन कमाल होता है, क्योंकि इन्होंने डाटा 3 ने डाटा आउट करना था और 6 ने डाटा इन करना होता है, तो ये ठीक होनी चाहिए, बाकी आप जैसे मर्जी काम करें। और अभी तक आपने टेक इन्फो गेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसका फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।